आदरणीय दर्शक नमस्कार, कार्यक्रम अध्यात्म विशेषमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। कार्यक्रम अध्यात्म विशेषमा हामीले त्यस्ता विशेष धार्मिक अनुष्ठानहरू, मेला पर्वहरूको बारेमा यहाँहरूलाई जानकारी गराउँदै आइरहेका छौँ। त्यसै सन्दर्भमा आज हामी यहाँ नित्यानन्द होम टेम्पल चण्डोलमा उपस्थित भएका छौँ। यसभन्दा अगाडि पनि हामीहरूले एउटा यस्तो श्रृङ्खला देखाएका थियौँ, जो पावरको जुन प्रदर्शन गरिएको थियो, नरिवल कोकोनट रोलिङ तपाईँहरूले हेर्नु नै भयो होला। त्यसैको श्रृङ्खलाबद्ध अर्को श्रृङ्खलामा हामी आज विशेष त्यस्तो कार्यक्रम लिएर आएका छौँ, जसमा ब्लाइन्ड फोल्ड रिडिङ भनेर भनिन्छ, आँखामा पट्टी बाँधेर किताब पढिन्छ, र अर्को तपाईँको शरीरमा भएका विभिन्न समस्याहरूलाई स्क्यानिङ गरिन्छ, जसलाई बडी स्क्यान भनेर भनिन्छ, र अर्को त्यस्तै अर्को कार्यक्रम छ रिमोट भिजन, जो कि यहाँ बसेर टाढा टाढाको अथवा यहाँ बसेर तपाईँको घरको, तपाईँको थर्ड आईमा हेरेर तपाईँको घरको बारेमा, तपाईँको घरको वरिपरिको वातावरणको बारेमा बताउन सकिन्छ। यस्तो कार्यक्रम हामीहरू आज यस कार्यक्रममा देखाउनेछौँ। तपाईँहरूले भन्नुहोला, यो यस्तो पनि हुनसक्छ र तपाईँहरूले सिरियलमा विभिन्न त्यस्ता धार्मिक शास्त्रहरूमा भनिएका कुराहरू सुन्नु त भएको छ, तर देख्नु भएको छैन। आज प्रत्यक्ष देख्नुहुनेछ। आउनुहोस्, कार्यक्रमतिरै लागौँ। दर्शक, यो कार्यक्रम गर्नुभन्दा पहिला सुरुमा गुरु वन्दना गरेर यसलाई सुरु गरिन्छ। अब गुरु वन्दना हुँदैछ र गुरु वन्दनापछि ती विभिन्न कार्यक्रमहरू, जुन पावर मेनिफेस्टेसन गर्ने आजको कार्यक्रम छ, त्यो सबै कार्यक्रमहरू तपाईँहरूलाई देखाउने नै छौँ। भगवान्को अपने थर्ड आई में याद करते हुए गुरु वंदना दोहराएंगे। जिनको आता है वो मेरे साथ दोहराएं, बाकी लोग हाथ जोड़ के बैठे। नित्यानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतं गगन सदृशं तत्त्वमस्यादि लक्ष्यं एकं नित्यं विमलम अचलम् भगवान श्री नित्यानंद परम शिवम का एक शिष्य हूँ, और स्वामी जी के द्वारा मुझे 2 महीना पहले संन्यास प्रदान किया गया है। स्वामी जी का नेपाल के लिए बहुत बड़ा प्लान है, बहुत योजनाएं। स्वामी जी चाहते हैं कि नेपाल को उसके जो उच्चतम ग्लोरी है उसको दोबारा प्राप्त हो, जिसमें उसकी आध्यात्मिक शक्ति मुख्य है। उसी के लिए स्वामी जी ने नेपाल में आदिनम बनाने, मंदिर बनाने, गुरुकुल बनाने और लाइब्रेरी और गौशाला बनाने का अपना विज़न रखा है। इसी कार्यक्रम में हमारे जो नित्यानंदा गुरुकुल है भारत में, उसके 3 रुद्र कन्याएं हमारे साथ हैं आज, जो कि शक्ति आविष्करण करके दिखाएंगे। तो मैं चाहूँगा कि वो अपना अपना परिचय दें। नित्यानंद, मेरा नाम दीपा सुनार हो, 15 वर्ष को भए र म गुरुकुल में 2 वर्ष बसेर यहाँ आएकी हूँ र अहिले म कक्षा 8 में पढ्दैछु। Nityanandam, my name is Ma Rubina Lohani from Grade 10. I've been studying in Gurukul for past 1 year and now I'm studying in Nepal into a 10th class. Nityanandam, my name is Rubina Rasaili ho ra aile ma 13 barsa ki hu ani ma 2 barsa Gurukul ma basiraki hu. Is karyakram ko aage badhane se pehle hum pehle yah samajh le कि शक्ति आविष्करण है क्या। एक भ्रांति है कि जब आध्यात्म के मार्ग पर हम बढ़ते हैं तो जो शक्तियां प्राप्त होती हैं उससे हमारा जो इनलाइटनमेंट का उद्देश्य है उसमें बाधा पड़ता है। स्वामी जी कहते हैं कि शक्तियों और सिद्धियों में अंतर है। सिद्धि आपके प्रयास से आता है, शक्ति गुरु के आशीर्वाद से आता है। तो आज जो हम देखने जा रहे हैं वह शक्ति है, इसलिए क्योंकि इन बच्चों ने कोई भी सिद्धि प्राप्त करने के लिए तपस्या नहीं की है,
इन्होंने कोई बहुत बड़ा व्रत नहीं किया है, कोई बहुत बड़ी तपस्या नहीं की है, कोई बहुत बड़ा त्याग नहीं किया है। इन्होंने एकमात्र भगवान श्री नित्यानंद परम शिवम का गुरु दीक्षा लिया और उनके साथ एकत्व की भावना में, अद्वैत की भावना में अपने आप को स्थापित करके यह सरल रूप से, सहज रूप से शक्ति आविष्करण करते हैं। हम जो सबसे पहला शक्ति आविष्करण करने वाले हैं वह है पावर ऑफ ब्लाइंड फोल्ड रीडिंग। यह शक्ति क्या है? हम ऐसा सोचते हैं कि हमारे जो दो नेत्र हैं इन्हीं नेत्रों से हम देख सकते हैं। हमें ऐसा इतने विश्वास के साथ बताया गया है और हमने इतनी बार बार सुना है कि हमें यह कल्पना भी नहीं होती कि हम किसी और तरह से देख सकते हैं। ईशोपनिषद में ऐसा कहा है कि जो ईश्वर है वह नेत्रों से सुन सकता है, कानों से देख सकता है, त्वचा से पी सकता है। इसका तात्पर्य क्या है? हम भी तो ईश्वर के ही रूप है, क्योंकि जब एको अहम् भवस्यामः, जब ईश्वर ने कहा तो वही एक अनेक हुआ है। हम भी वही है, वही तत्व है जो वो तत्व है, क्योंकि उसके भिन्न तो कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि ईश्वर ही भिन्न भिन्न रूपों में हुआ है। तो हम भी भिन्न कैसे, हम भी वही हैं। हमने अपने पुराणों में सुना है, महाभारत में देखा है कि कैसे हमारे जो ऋषि मुनि थे वह अपने जंगल में बैठे हैं, लेकिन वो दूर शहरों में क्या हो रहा है, राजा के भवन में क्या हो रहा है, सब देख लेते थे। यह है दूर दृष्टि की शक्ति। जैसे संजय ने कुरुक्षेत्र में क्या हुआ इसकी जानकारी वह धृतराष्ट्र को बता रहा है। वह शक्ति उसको कैसे मिली? संजय ने कोई तपस्या नहीं किया था। संजय को वह शक्ति मिली एकमात्र वेदव्यास जी के आशीर्वाद से। यही दिव्य दृष्टि की शक्ति भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया जब उन्हें उस अर्जुन को अपना विराट स्वरूप दिखाना था। भगवान ने कहा कि तुम इन चर्म चक्षुओं से मेरे विराट स्वरूप को नहीं देख पाओगे, उसके लिए तुम्हें दिव्य दृष्टि की आवश्यकता है। वह दिव्य दृष्टि कहाँ आई? वह त्रिनेत्र शक्ति है। जब वह त्रिनेत्र अर्जुन का जागृत हुआ तब उसने भगवान कृष्ण के विराट स्वरूप का दर्शन किया। तो वह दिव्य दृष्टि की शक्ति वह भी हम आज देखेंगे कि कैसे रिमोट विजन काम करता है, पावर ऑफ हाउस स्कैनिंग। तीसरी शक्ति है पावर ऑफ बॉडी स्कैनिंग। जैसे प्राचीन काल में कई मंदिरों में, जो कि आज से हजारों साल पुराने हैं, उसमें एम्ब्रियो किस तरह ग्रो करता है इसका वर्णन है। जबकि उनके पास न माइक्रोस्कोप है, न कोई और आधुनिक उपकरण है मेडिकल के जिससे वो ये पता कर सकते, लेकिन वह जानकारी हमारे शास्त्रों में थी। वो कैसे थी? कैसे शरीर के अंदरूनी अंग ही नहीं, जो हमारे नाड़ी चक्र है जिसको आज तक मेडिकल साइंस नहीं पता कर पाया है, उसके बारे में भी हमारे शास्त्रों में वर्णन है। ईड़ा नाड़ी, पीना नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी, जिसका जिसके बारे में अभी तक मेडिकल साइंस पता नहीं कर पाया है, इस सब की जानकारी कैसे मिली हमारे ऋषियों को? वह शक्ति है पावर ऑफ बॉडी स्कैनिंग। अपने आप को जब हम सामने वाले व्यक्ति और स्वयं में कोई भिन्नता अनुभव नहीं करते, एक समझते हैं, एक तत्व में स्थापित होते हैं, अद्वैत में स्थापित होते हैं, और जब हम अपने थर्ड आई से, अपने त्रिनेत्र की शक्ति से अपने शरीर का अवलोकन करते हैं, तो जिस शक्ति से हम अपने शरीर के भीतर देख सकते हैं उसी शक्ति से हम सामने वाले के भी शरीर के भीतर देख सकते हैं। यह है पावर ऑफ बॉडी स्कैनिंग। उसके शरीर के भीतर क्या चल रहा है, क्या रोग है, क्यों है, किस विचारधारा के कारण है, वह भी पावर बॉडी स्कैनिंग से आती है। इस शक्ति का भी आज हम प्रदर्शन देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आग्रह करूंगा कि कोई एक वॉलंटियर आए और हम हमारे जो बाल संत हैं ये कैसे काम, ये पावर मैनिफेस्ट करेंगे, उसके लिए वो उनकी सहायता करेंगे। यो चाहिँ अप्टिकल आइप्याड हो, जसमा चाहिँ सर्जरी, आई सर्जरी हुँदाखेरि युज गरिने अप्टिकल आइप्याड, जसमा चाहिँ यो आँखाको यो पुरै एरिया नहल्लोस् भनेर चाहिँ डक्टरहरूले युज गर्छन्। आज यही युज गरेर चाहिँ म पुरै आफ्नो आँखामा टिप पेस्ट गरेर यसलाई चाहिँ यो लगाएर चाहिँ म हजुरहरूले दिएको
केही लेख्नलाई दिएको पढेको उहाँले दिने दिइ अब कुनै बुकहरू दिनुहुन्छ भने त्यो पढेर चाहिँ थर्ड आई रिडिङको डेमोन्स्ट्रेट गर्दैछु। एज तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यो नयाँ हो, युज गरेको छैन, के पनि देखिँदैन, अन्धकारै छ, कडा छ, कहाँ केही पनि देखिँदैन, केही देखिँदैन, देखिँदैन, अँध्यारै छ, केही पनि देखिँदैन, अँध्यारै छ, उताबाट जता लाग्यो हुन्छ के देख्दै त्यो छोपलाई त्यो आँखा बन्द गर्नुहोस् न, एउटा आँखा बन्द गरेर दर्शक तपाईँहरू यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसलाई आई प्याच भनिन्छ, जसलाई डक्टरहरूले यसलाई त्यो अपरेसन गर्ने बेलामा आँखाबाट बाहिर रोशनी अथवा त्यो आँखा प्रकाश चाहिँ प्रवेश नगरोस् भनेर यसलाई युज गर्ने गरिन्छ। त्यही आई प्याच प्रयोग गरेर यहाँ बस्नुभएको छ माताजीहरू, उहाँहरूले चाहिँ आँखा बन्द गरेर कुनै पनि हामीले दिएको कुराहरू बुक अथवा हामीले लेखेर दिएको कुनै पनि कुराहरू उहाँहरूले पढेर सुनाउनुहुनेछ। थर्ड आई पावर डेमोन्स्ट्रेट गर्नको अगाडि हामी शास्त्र प्रमाण भन्नेछौँ र त्यसको लागि सबैजना हात जोडिदिनुहोस् होला, ब्याक स्ट्रेट गरिदिनुहोस् होला र आँखा चिम्न गरेर स्वामीजीलाई सम्झिनुहोस्। कपालान्तर्मनोनस्य तिष्ठान् मिलित लोचना क्रमेण मनसोधात्या लक्ष्येत लक्ष्यमुत्तमम्। अब उहाँले चाहिँ यो आइप्याच मेरो आँखामा लाइ ता यसरी यो साइडबाट टाँसिदिनुहुनेछ। दर्शक हाम्रो थर्ड आई रिडिङ गर्ने जुन अब तयारी भइसकेको छ, आई प्याच माको आँखामा आई प्याच लगाइसकेको छ, जुन आई प्याचलाई हामी सबैजनाले यहाँ चेक गरेर त्यसबाट कुनै पनि केही पनि प्रकाश छिर्दैन भन्ने प्रुफ भएपछि हामीले त्यो आई प्याचलाई उहाँको आँखामा लगाएका छौँ र यहाँ केही लेखेर दिनुभएको छ, हामीले यसलाई उहाँलाई दिनेछौँ र उहाँले त्यो बन्द आँखाले यसलाई पढेर सुनाउनुहुनेछ। पहिला उहाँले पढ्नुहुन्छ अनि हामी यसलाई क्यामेरामा देखाउनेछौँ। के छ हाल खबर अनि कता बस्नुहुन्छ, कति कक्षामा पढ्नुहुन्छ, दर्शक तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ भर्खरै उहाँले यसलाई ब्लाइन्ड फोल्ड आँखामा पट्टी प्याच लगाएर पढेर सुनाउनु भएको छ, तपाईँहरूले सुन्नुभयो यसमा त्यही नै लेखिएको छ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ उहाँले जे भन्नुभएको थियो त्यही नै यसमा लेखिएको छ। नित्यानन्द परम शिवम थर्ड आई प्र्याक्टिस। साँच्चै नै त्यही नै लेखिएको छ यसमा, नित्यानन्द परम शिवम थर्ड आई प्र्याक्टिस, उहाँले यसलाई पढेर सुनाउनु भयो। भर्खरै तपाईँले देख्नुभयो ब्लाइन्ड फोल्ड रिडिङ, जुन आँखामा प्याच लगाएर केही पढेर उहाँले सुनाउनु भयो, त्यसको बारेमा केही जानकारी उहाँसँग हामी लिन्छौँ, कसरी त्यो पढिन्छ, के हो त्यो वास्तवमा भन्ने कुरा, आउनुहोस् उहाँसँग कुराकानी गरौँ। अहिले भर्खरै तपाईँले जुन आँखामा प्याच लगाएर पढेर सुनाउनु भयो, यसको वास्तविक प्रोसेस चाहिँ के हो, कसरी देख्नुहुन्छ यो अलिकति केही बताइदिनुहोस्। मैले पनि फर्स्टमा चाहिँ यत्तिकै आँखा बन्द गरेर सुरु गराएन, फर्स्ट स्वामीजीले चाहिँ ज्ञानञ्जना भर्खर मैले निधारमा लगाएको कालो टिकाए स्वामीजीले त्यही लगाइदिएर थर्ड आई इनिसिएट गर्नुभयो, त्यो थर्ड आई एरियामा आइब्रोको बिचमा छोएर, एन्ड देन आफ्टर उहाँले भन्नुभयो कि गो एन्ड स्टार्ट रिडिङ, आँखा क्लोजर आइज एन्ड स्टार्ट आँखा बन्द गरेर पढ्न सुरु गर्नु, नि हामीलाई पनि थाहा छैन स्वामीजीले किन बोलाएको अचानक प्रोसेसको लागि, एन्ड अचानक स्वामीजीले आँखा बन्द गरेर पढ मैले तिमीहरूलाई थर्ड आईको लागि इनिसिएट गरिसकेँ स्वामीजीले भन्नुभयो, अनि हामीले पनि विश्वास लागेन त्यो भएर एकछिनसम्म हामी पनि फर्स्टमा चाहिँ हामीलाई धेरै नै गाह्रो भएको थियो आँखा बन्द गरेर हेर्नलाई,
पुरै एउटा वर्ड एउटा लेटर हेर्नले एक घन्टा लाग्ने त्यस्तो पुरै दिन लाग्ने त्यस्तो भएको थियो. पछि पछि अनि प्र्याक्टिस गर्दै जाँदा अब झट्टै देख्ने बित्तिकै सबै हुने भएको थियो भयो. अनि त्यसो हुँदा हुँदै स्वामीजीले अझै त्यसलाई नै एडभान्स लेभलमा फर्स्टमा हामीले आई ब्लाइन्ड फोल्ड लगाउँ थियो भने अहिले होइन पहिला चाहिँ हामीले कपासले हालेर कपडाले बेच्थ्यौँ भने अनि अहिले चाहिँ अनि त्यसपछि बिस्तारै बिस्तारै साइन्टिफिकली त्यो माइन्डफुल हुन्छ नि त्यो लगाएर गर्न थाल्यो. अनि त्योबाट पनि अझै एडभान्स लेभलमा पुग्नको लागि चाहिँ हामीले हाई प्याच लगाएर गर्न थालेको. अनि यो मलाई चाहिँ के हुन्छ भने जब यो थर्ड आई बुकहरू केही दिन्छ नि त्यो चाहिँ अब एज अ बुक नै त्यो नै प्रिन्ट आउट भएर हुन्छ नि जसरी हामीले फिजिकलाइजले हेर्छौँ त्यसरी नै यही थर्ड आईले पनि देखिन्छ. अनि मतलब यो तपाईँले जसरी अहिले त्यहाँ पढ्नुभयो जस्तै बुक पनि तपाईँले जब आँखामा अहिले भर्खरै भन्नुभयो फर्स्ट लेभल सेकेन्ड लेभल थर्ड लेभल भनेर भन्नुभयो होइन त्यसमा चाहिँ के फरक छ यदि तपाईँले बाक्लो खाले कपडाले बन्द गर्नुहुन्छ भने पनि आँखा त बन्द नै हुन्छ नि तर त्यसबाट देख्ने सम्भावना त हुँदैन त्यसलाई कसरी चाहिँ त्यो ग्रेड भनेर छुट्टियो. एक्चुली हामीले त्यसो चाहिँ किन गरेको भने लाइक वर्ल्ड टुर जाँदाखेरि होइन अब कपडाले बाँध्दाखेरि चिटिङ भइरहेछ मुनिबाट देखिरहेछ या फिर कानमा केही ऊ लगाएर चाहिँ कसैले साइडबाट भनिदिइरहेछ त्यस्तो भनेको कारणले चाहिँ हामीले आई प्याच गरेको. कसैले त्यो बाँधेको कारणले गर्दा केही यन्त्रहरू राखेर त्यहाँ कसैले साइडबाट भनिदिइराखेको छ भन्ने एउटा शङ्का गरे भनेर आँखामा मात्रै आई प्याच लगाएर साइडमा केही बन्द नभएको देखाउनको लागि त्यो गर्नुभएको. त हामीलाई यो बताउनुहोस् तपाईँले पहिलोचोटि उहाँ स्वामीजीकोमा गएर जब यो प्रोसेस सुरु गर्नुभयो अनि सुरु गर्दाखेरि कसरी चाहिँ अब अहिले भर्खर भन्नुभयो भनेर स्वामीजीले आनन्दना लगाइदिनु भयो भनेर भन्नुभयो होइन अनि सुरुमा चाहिँ कस्तो प्रोसेसबाट सुरु गरिन्छ त्यहाँ सिकाउनको लागि. फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो थर्ड आई मेडिटेसन हुन्छ मतलब मेडिटेट गर्दाखेरि चाहिँ ब्याक स्ट्रेट राखेर आँखा चिम्मा गरेर होइन स्वामीजीले आफ्नो हुन्छ गोल्डन लाइट त्यो के भन्छ अरे हाम्रो सेभेनवटा चक्राज हुन्छ नि बडीमा त्यो चाहिँ स्ट्रेट भएर बस्यो स्ट्रेट छ भनेर याद गर्ने अनि त्यसपछि गोल्डन लाइट सा यता गएको के भन्छ अरे सहस्त्रा चक्रामा गएको रिमेम्बर गर्ने अनि स्वामीजीले चाहिँ ठ्याक्कै यति स्वामीजीको पिक्चरलाई चाहिँ याद गर्ने होइन त्यस्तो हुँदा हुँदा अनि त्यसैबाट चाहिँ अनि त्यही मेडिटेट गर्ने त्यही सम्झिँदै मेडिटेट गर्ने त्यतिखेर चाहिँ हामीले अल्छी केही पनि लाग्दैन त्यतिखेर चाहिँ माइन्ड एकदम थट्सहरूलाई चाहिँ खालि थट्सहरूलाई चाहिँ मार्नुपर्छ होइन अनि त्यस्तो हुँदै गरेपछि चाहिँ अनि त्यसपछि स्वामीजीले केही इन्स्ट्रुमेन्टहरू बजाउनुहुन्छ जसले चाहिँ आफ्नो हाम्रो कुण्डलिनीलाई अवेक गर्छ अनि त्यो कुण्डलिनी अवेक भएपछि चाहिँ हाम्रो सेभेनवटा चक्राजहरू चाहिँ स्ट्रेट हुन्छ अनि त्यसपछि थर्ड आई देखिन्छ. जब थर्ड आई खोलेपछि यसको प्रोसेस सुरुमा खोल्दाखेरि कस्तो देखिन्छ जस्तै धमिलो धमिलो अथवा क्लियर देखिन्छ अथवा कस्तो किसिमले देखिन थाल्छ यो देख्दा. इफ हामीले स्वामीसँग फेथ छ भने चाहिँ फर्स्टमै एकदम क्लियर हुन्छ नि त. अब हामीले गर्दाखेरि चाहिँ नै मैले गर्ने हो भनेर सोच्यो भने चाहिँ इट विल नेभर कम होइन. अनि स्वामीजीले गरिदिनु हुन्छ स्वामीजी मेरो थ्रुबाट फ्लो गर्नुहुन्छ भनेर सोचेर गऱ्यो भने चाहिँ इट विल बी लाइक क्लियर आउँछ एकैछिन. भनेको मतलब म थ्रु मात्रै हो मैले गर्ने होइन यो गर्ने स्वामीजीले नै हो भनेर सोच्नु पर्यो त्यो थट्सको आधारमा हामीले गरियो भने स्वामीजीले त्यो कुरालाई बढी हेल्प गर्नुहुन्छ होइन त. धन्यवाद. दर्शक सुनिहाल्नुभयो आजको यो युगमा आएर पनि यस्तो यो अचम्मको कुराहरू जुन हामीले शास्त्रमा लेखेका कुराहरू पढेर अथवा कुनै सिरियलहरूमा देखेर हामीले यस्तो कुराहरू सुनेका थियौँ अथवा देखेका थियौँ कि यो हुनसक्छ र भन्ने हामीलाई प्रश्न उठ्थ्यो. तर आज हामीले यो प्रमाणका साथ यहाँ देख्यौँ कि आँखा बन्द गरेर पनि तेस्रो नेत्र जसलाई हामी तेस्रो नेत्र भन्ने बित्तिकै शिवजीलाई सम्झिन्छौँ शिवजीको तेस्रो आँखा भनेर सम्झिन्छौँ तर वास्तवमै हामी सम्पूर्ण मानवसँग तेस्रो आँखा छ र त्यो तेस्रो आँखा सुसुप्त अवस्थामा हामीभित्र बसेको छ त्यसलाई हामीले उजागर गर्न सकिन्छ जसलाई हामीले खोल्न सकिन्छ र आँखा बन्द गरेर पनि हामीले विभिन्न कुराहरू त्यस्ता देख्न सकिन्छ पढ्न सकिन्छ. दर्शकबिन आउनुहोस् अब अर्को सेसनतिर लागौँ. उसका नाम है पावर अफ बॉडी स्क्यानिङ. इसमें हमारी रुद्रकन्या किसी भी एक जो भी वॉलेंटियर आएंगे उनका बॉडी स्कैनिंग करने के बाद बताएंगे कि उनमें क्या परेशानी है और इलाज भी बताएंगे. तो मैं आग्रह करूँगा कोई भी एक वॉलेंटियर आ जाने के लिए. हजुरको चाहिँ डाइजेसन प्रब्लम छ होइन अनि त्यसपछि टाउकोहरू दुख्नुहुन्छ बडीहरू धेरै पेन हुन्छ
अनि त्यसपछि धेरै चिल्लो पिरोहरू नखानु है, हेल्थको लागि तपाईँलाई नराम्रो, लाइक हेल्दी हुँदैन तपाईँ, अनि यस्तो यस्तो पाटोहरू दुख्ने हुन्छ, यस्तो घोडाहरू अनि यस्तो फुले क्या, यस्तोहरू दुख्ने हुन्छ, अनि बेलुका राति त्यही सुत्ने बेला हुन्छ नि लास्टै हुन्छ नि, अब यस्तो पुरै खुट्टाहरू दुख्ने अनि यस्तो सोल्डरहरू दुख्ने हुन्छ, अनि बडी विक हुने, भित्रबाटै विक हुने जस्तो हुन्छ त्यतिदेखि, अनि लाइक हजुरको बडीमा पानी चाहिँ कम छ, पानीहरू खाने गर्नु होइन, हजुरलाई टाउको हेभी हुने अनि बडीहरू हेभी हुनुहुन्छ, लाइक गाह्रो हुने यस्तो टाउकोहरू के चिसोले बडी ऊ भयो भने चिसोले समात्यो भने अनि त्यसपछि सास फेर्न गाह्रो हुने हुन्छ, यस्तो कहिलेकाहीँ हुन्छ नि, अब तपाईँलाई एसिडिटी बढ्यो भने डाइजेसन आई एसिडिटी त्यस्तो सास फेर्ने गाह्रो हुन्छ अनि टाउको हेभी हुन्छ त्यतिदेखि, अरू हजुरको बडीमा पानी कम छ क्या अनि त्यसैले पानी खाने गर्नु, अनि यस्तो यस्तो के अब तपाईँलाई हुन्छ नि अब केही भयो भने पनि होइन, लाइक यस्तो धेरै मेडिसिनहरू टाउको दुख्यो भने पनि मेडिसिनहरू लिइ नहाल्नु होइन, अनि त्यति हो मेरो चाहिँ नि उहाँ माताजीले चाहिँ नि मेरो इनर प्रब्लम कन्स्टिपेसनको चाहिँ नि मेरो रियल प्रब्लम नै हो, अरू चाहिँ यो चिसोको एलर्जिक भाव हुनाले बेला बेलामा जिउहरू दुख्ने टाउको दुख्ने चाहिँ नि उहाँले सही नै भन्नुभयो, तपाईँले खानाहरू पनि हुन्छ नि अब धेरै नुनहरू धेरै हालेको चाहिन्छ है तपाईँलाई, अनि त्यसपछि अब केही कुराहरू सोचिराख्नु भएको छ भने धेरै ओभर थिङ्किङ गरिरहेको हुन्छ क्या, लाइक अब यो भइरहेछ नि तपाईँलाई, अब यो स्वामीजीको होला, अब यो धेरै कुरा सोचिरहेको हुन्छ क्या माइन्डमा तपाईँलाई, अनि कहिलेकाहीँ टाउ त्यस्तै माइन्डहरू लेख हुन्छ नि तपाईँले धेरै सोचिरहेको बेला पनि हुन्छ नि, अब त्यो सोचिरहेको भएर पनि तपाईँको टाउकोहरू कहिलेकाहीँ टाउको दुख्ने अनि त्यसपछि मान्छेलाई लाइक गराउनुमा लाग्ने रिस उठ्ने भित्रभित्र कन्ट्रोल गरेर राख्नुहुन्छ क्या तपाईँले, त्यतिदेखि अनि धेरै मेजर प्रब्लम त्यस्तो धेरै देखेन, सानो बेला भएको थियो रहेछ होइन, लाइक तपाईँको यङ एजमा भएको रहेछ, तर त्यो सबै लाइक मेडिसिनहरूले डक्टरहरूलाई देखाएर अहिले कम पाएर अहिले चाहिँ त्यस्तो धेरै केही देखेन। टेलिभिजन हेरिरहनु भएका सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई, अब हामी टेलिभिजन युनिट पनि यहाँसँगै आइरहेका छौँ, आज यो हिलिङको बारेमा र थर्ड आइजको बारेमा केही अभ्यासहरू भइरहेको छ, अघि यदुजीले पनि तपाईँहरूलाई जानकारी गराइसक्नु भयो, र अब एउटै टिमको मेम्बर म पनि हुनाले म आफै पनि यो उहाँहरूको अभ्यास कस्तो छ भनेर बुझ्नको लागि यहाँ बसेको हुँ, र उहाँहरूले जुन साधना गरिरहनु भएको छ अब पढ्ने अभ्यासको बारेमा त एकछिन पछाडि थाहा भइहाल्छ, र अब बडीभित्र के छ भन्ने कुराको लागि मैले भर्खरै उहाँको जुन एउटा पावर हो थर्ड आइज पावर त्यसबाट सुझाव लिने कोसिस गरेको थिएँ, कतिपय कुराहरू मिलेको छ, अब त्यो साइन्टिफिक एक्सरे गरे जस्तो ठ्याक्कै टु दि पोइन्ट त अब यो अलिकति लामै साधना गरेपछि अथवा लामै अभ्यास गरेपछि प्राप्त होला, तर केही न केही सङ्केत चाहिँ उहाँले दिन खोज्नुभयो, र अब त्यो मेरो आफ्नो व्यक्तिगत जीवनमा त्यसले कता न कता चाहिँ एक ढङ्गको मेल खाएको जस्तो देखियो, यसो भनेपछि
यो चाहिँ एउटा साधना जुन छ त्यो साधनाबाट चाहिँ केही न केही विज्ञानसम्मत कुराहरू चाहिँ साधनाबाट पनि प्राप्त हुन्छ भन्ने कुराको सङ्केत चाहिँ यसबाट हामी लिन सक्छौँ। एकम नित्यं विमलम अचलम सर्वदि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। कलर चाहिँ एउटा व्हाइट कलर अनि त्यो स्काई पर्पल हुन्छ त्यो देखि अनि तपाईँको घरको यता र दुइटै साइडमा त्यो यस्तै ग्रासहरू देखेँ मैले अनि कोठा छ अनि यतापट्टि चाहिँ तपाईँको टेबलहरू राखेको छ अनि बिचमै सोफा अनि ठ्याक्क त्यसको अगाडि एउटा टिभी राखेको छ अनि तपाईँको भित्र कोठा चाहिँ सबै वाइट हो अनि तपाईँको स्लिपिङ रुम चाहिँ ढोका चाहिँ यतापट्टि अनि तपाईँको ठ्याक्क ढोकाको यतापट्टि चाहिँ तपाईँको कपडाहरू राख्ने एउटा दराज छ अनि ठ्याक्क दराजको अलि यतापट्टि त खाट छ अनि खाटको यतापट्टि चाहिँ ऐनाहरू त्यो गिफ्ट जमिनहरू राखेको छ। मेरो घरमा उहाँले पहिले भन्नुभएको दुवैतिर के अरे ग्रास छ भन्नुभएको थियो घाँस छ भन्नुभएको थियो। मेरो घरको दायाँ र बायाँ दुवैतिर बायाँ साइडमा चाहिँ अर्काको ठुलो कम्पाउन्ड त्यहाँ घाँसै घाँस राखिरहेको छ झुडेकै भएर घाँसै देखिन्छ र बायाँ साइड मेरो आफ्नै दुबो भएको हो दायाँ बायाँ घाँसै छ त्यो मिल्यो। त्यसपछि माथि उहाँले भन्नुभयो माथि गइसकेपछि वरिपरि राखेर मैले ठ्याक्कै सोफाको अगाडि टिभी राखेको छु त्यो मिल्यो अनि अरू कुरो मिलेको चाहिँ उहाँले मेरो बेडरुमभित्र गएर जुन भन्नुभयो त्यो चाहिँ एकदम मिल्यो। बेडरुम अगाडि मेरो सानो दराज दराज मिसेसको त्यो अलिकति मेकअप गर्ने दराज छ र भित्रपट्टि दराजको भित्रपट्टि चाहिँ लुगा राख्ने ठाउँ अलिक भित्रपट्टि छ। मेरो विचारमा उहाँको 90% मिल्यो मेरो। तपाईँको घरको लेफ्टपट्टि चाहिँ मैले फ्लावरहरू देखेँ रेड कलरको अनि तपाईँको बाहिर चाहिँ घरको बाहिर कलर चाहिँ ब्राउन देखेँ अनि एउटा कोठामा चाहिँ यतापट्टि सोफा राखेको छ अनि ठ्याक्क यतापट्टि चाहिँ एउटा फोटो जस्तै छ अनि फोटोको अलि तल एउटा टिभी छ अनि टिभीको हल्का यतापट्टि एउटा किचन छ किचनको अनि अनि यतापट्टि चाहिँ छ माथि जाने टु फ्लोर अनि सेभिङ एउटा यस्तै कोठा छ अनि यतापट्टि चाहिँ त्यो सोफाहरू राखेको छ आफू गेट गेटदेखि सोध्दै जानु गेटको कलर कस्तो छ सोध्दै जानु
थर्ड आई पावर जो है ये कभी गलत नहीं होता है। कई बार हमें लगता है कि हमारा जो एक्सपेक्टेशन है या हमारा जो रियलिटी है उसको मैच नहीं कर रहा है। इसका कारण क्या है? हाउस स्कैनिंग हो सकता है। थर्ड आई जो है वो आपके रूह में देखता है, आपकी आत्मा में देखता है। आप वर्तमान में जिस घर में हैं आप उस घर से ज़्यादा अपने आप को जुड़ा महसूस करते हैं या आप बचपन में किस घर में थे उससे जुड़ा महसूस करते हैं। कई बार ऐसा होता है, एक ऐसी घटना घटी कि बॉडी स्कैनिंग कर रहे थे और एक सामने जो बैठे हुए थे उन्होंने बोला कि बताइए मेरे घर के बारे में। तो जो बॉडी स्कैनिंग कर रहे थे हाउस स्कैनिंग के लिए वो उनके बॉडी के बारे में बताने लग गए और उन्होंने उनके पूरे बॉडी का डिस्क्रिप्शन किया। तो आसपास के जो लोग थे वो आश्चर्यचकित हो रहे हैं कि उसने बोला है कि मेरे घर के बारे में बताइए और वो उसकी बॉडी का डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं। तो उसने बताया सामने वाले ने, लेकिन वो ध्यान से सुन रहा है। बाद में उसने बोला कि मैं सिर्फ अपने घर, अपनी बॉडी को अपना घर समझता हूँ क्योंकि वो हर समय मूवमेंट पे रहते हैं। तो वो कहीं भी उन्होंने, उनका अटैचमेंट जो है सिर्फ बॉडी से, और उन्होंने अपने में ये कॉग्निशन कर रखा है कि उनका जो बॉडी है यही घर है। इस कॉग्निशन से जब वो बॉडी स्कैनिंग, हाउस स्कैनिंग उसका कर रहे थे तो उनकी बॉडी आई। तो यही जब होता है हाउस स्कैनिंग में, आप आगे भूत भविष्य वर्तमान थर्ड आई तीनों देखती है। इसलिए कहते हैं थर्ड आई इज़ नेवर रॉन्ग। आप उसको उस समय आप अंदाज नहीं कर सकते, आगे भी हो सकता है। हो सकता है आप बचपन में आपके किसी नानी का घर हो, दादी का घर हो या अपना स्वयं का घर हो, कोई ऐसा जगह जिससे आपका अटैचमेंट हो, वो थर्ड आई देख रही है। क्योंकि थर्ड आई अगर एक चीज़ देख सकती है तो बाकी चीज़ें भी देख ही सकती है। इसलिए थर्ड आई पे हम डाउट नहीं करते हैं, ये है कि हमारा उससे कनेक्शन कितना बैठ रहा है। आगे पीछे वो वर्तमान किसी भी हो सकता है। कुछ चीज़ें जिनका प्रत्यक्ष प्रमाण है जैसे ब्लाइंड फोल्ड रीडिंग, उसको तुरंत हम देख सकते हैं क्योंकि आँखों के सामने है। लेकिन बॉडी स्कैनिंग है, हाउस स्कैनिंग है, ये इनको हम तुरंत नहीं प्रमाणित कर सकते क्योंकि कई बार हमें स्वयं नहीं पता होता है कि हमारे शरीर में क्या चल रहा है। लेकिन शरीर का सूक्ष्म गतिविधि जैसे एसिडिटी होता है, एसिडिटी का भी क्या कारण है? अगर आप एजिटेटेड हैं तो पेट में एसिडिटी होगी। अगर आप आलस महसूस कर रहे हैं, किसी काम में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, तो आपका लिवर में प्रॉब्लम है। अगर आप चीज़ों को पकड़ के रखते हैं और उस पर बार बार विचार करते रहते हैं तो आपको कब्ज की शिकायत हो सकती है। हमारा शरीर और हमारे जो विचार हैं इनका आपस में ऐसा कनेक्शन है कि विचारों से शरीर पे असर पड़ता है। इसलिए जब बॉडी स्कैनिंग होता है और उससे हीलिंग करते हैं तो सिर्फ हमारा शरीर ही नहीं, हमारे विचारों में भी परिवर्तन आता है, उसमें भी ब्रेक थ्रू आता है। तो इस तरह आपने देखा कि कैसे पुराणों में वर्णित जो शक्तियां हैं उनका आज आपने प्रदर्शन देखा। स्वामी जी कहते हैं कि पुराणस आर रियली रियली रियल। जो हमारे पुराण हैं वो सत्य में सत्य हैं, उनमें कहीं कोई डाउट नहीं। लेकिन यह जो त्रिनेत्र की शक्ति का विज्ञान है, भारत में जब हजारों साल के आक्रमण से वो नष्ट कर दिए गए हैं तो जो आम आदमी है, आम मनुष्य है, वह उस पर डाउट करने लगा है। इसलिए भारत में सवाल उठते हैं कोर्ट में कि क्या राम वास्तव में थे। इस तरह के सवाल तब उठते हैं क्योंकि हमारा जो यह विज्ञान है इसको नष्ट कर दिया गया है।
भगवान श्री नित्यानंद परम शिवम इसी विज्ञान को पुनर्जीवित कर रहे हैं। इसी के लिए उन्होंने पूरे विश्व में गुरुकुलों का एक संजाल बनाने का प्रण लिया है। यह शक्ति हर किसी के लिए है। एकमात्र गुरु दीक्षा प्राप्त करने से ही यह शक्तियाँ प्राप्त हो जाती हैं। तो मैं सभी लोगों से जो भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं करबद्ध होकर यह प्रार्थना करता हूँ कि इस शक्ति को नकारे नहीं, इस शक्ति को जानने के लिए उत्सुकता प्रकट करें और जानने की कोशिश करें और हमसे संपर्क करें। हम अवश्य आपको इस विज्ञान के बारे में बताएंगे और आप भी इन शक्तियों को प्रकट करने की क्षमता रखते हैं। धन्यवाद। रीढ़ की हड्डी सीधी रखें और अपने त्रिनेत्र में भगवान का ध्यान करते हुए मेरे साथ इसको दोहराएंगे अगर याद हो, नहीं तो करबद्ध करके अपने ईश्वर को ध्यान करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरि ओम तत्सत् सर्वं भगवत् श्री नित्यानंद परम शिव पादुकार्पणमस्तु। ओम नित्यानंदम। दर्शक, हामी आध्यात्म विशेषको यो विशेष कार्यक्रममा थियौँ जहाँ विभिन्न पावर मेनिफेस्टेसन गरेर हामीले तपाईँहरूलाई देखायौँ। यसभन्दा पहिला पनि हामीले कोकोनट रोलिङ जस्ता केही पावरहरूको बारेमा तपाईँहरूलाई देखाएका थियौँ र त्यसैको यो अर्को श्रृङ्खला हामीले तपाईँहरूमा आज पस्कियौँ। यस्तै यस्तै कार्यक्रमहरू लिएर फेरि अर्को श्रृङ्खलामा पनि उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि क्यामेरामा सन्तोष भट्टराईका साथ म प्रस्तोता युवराज गैरे बिदा माग्दछु। हेर्दै गर्नुहोला आध्यात्म टेलिभिजन। हस्त नमस्कार।